हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसबी। आज हम लोग जीएस सीरीज का सेट 16 करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एग्जाम में एक एक क्वेश्चन और एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था? तो इसका आंसर होगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था, जिसके अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, और क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। प्राकृतिक रबर होता क्या है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक यानी पॉलीमर होता है। प्राकृतिक रबर वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा बनता है, जिसमें रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है, और इस प्रक्रिया के बाद रबर एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। प्राकृतिक रबर वास्तव में काफी मुलायम होता है, इसलिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है ताकि यह कठोर बने, और तब इसका प्रयोग टायर ट्यूब इत्यादि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नर्मदा और महानदी का उद्गम स्थल क्या है? तो इसका आंसर होगा अमरकंटक। तो नर्मदा और महानदी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है और यह खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, और ये नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी का निर्माण करती है, जबकि महानदी की लंबाई 815 किलोमीटर है और यह बंगाल की खाड़ी में मिलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। हरिपुरा स्थित कहाँ है? तो हरिपुरा गुजरात में स्थित है, और कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, और यह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो यह कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। हरिपुरा के बाद 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में भी सुभाष चंद्र बोस ही अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन मतभेद होने के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनाए गए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पलाश किस राज्य का राजकीय पुष्प है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर होगा यूएसए। यूएसए से बहुत कुछ लिया गया है, जैसे यूएसए के संविधान से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, वित्तीय आपात और उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि भी ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे पेट्रोलियम को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो इसका आंसर होगा प्रभाजी आसवन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के द्वारा। तो प्रभाजी आसवन होता क्या है? प्रभाजी आसवन एक औद्योगिक प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को अलग किया जाता है, और इस प्रक्रिया के द्वारा पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, किरोसिन इत्यादि अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन योजना, पीपुल्स प्लान तथा सर्वोदय योजना किनके किनके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका आंसर होगा एमएन रॉय और जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तो एमएन रॉय के द्वारा जन योजना 1945 में बनाई गई थी, जबकि सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1950 में बनाई गई थी। तो एमएन रॉय और जयप्रकाश नारायण से कुछ और रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे भारत के संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एमएन रॉय के मन में आया था 1934 में, और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और उन्हें लोकनायक की उपाधि भी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति का मापक यंत्र क्या कहलाता है? तो इसको नेफोस्कोप बोलते हैं। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तराखंड में लिपुलेख के अलावा और कौन कौन से दर्रा स्थित है? तो माना और नीति दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है, दर्रा पास को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, जिसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था, जिस कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कुछ अन्य नाम भी दिए गए थे, जैसे इसे अश्वमेधकर्ता, विक्रमांक,
कविराज और परम भागवत भी कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन आवेशहीन यानी न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कितने देशों के संविधान के अवलोकन के पश्चात बना है? तो भारत का संविधान 60 देशों के संविधान के अवलोकन के पश्चात बना है। तो संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस हुई थी, और संविधान बनने में टोटल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे, और संविधान के निर्माण में कुल व्यय कितना हुआ था? तो 63,96,729 रुपए खर्च हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी है? तो वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ ने लिखी है। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सके और इस वीडियो का लाभ उठा सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट स्थित कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है जो हिमालय पर्वतमाला में स्थित है, और इसकी ऊंचाई लगभग 8849 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र यानी यूरिन का रंग पीला क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा यूरोक्रोम के कारण। तो यूरोक्रोम क्या होता है? यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है, और यूरिन अम्लीय यानी एसिडिक होता है जिसका पीएच वैल्यू 6 होता है। हमने कल के ही वीडियो में ये चीज किया है कि जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम हो वो एसिडिक, और जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो वो बेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का अभिलेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महावेली गंगा किस देश की नदी है? किस देश की नदी है? श्रीलंका की। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रध्वज संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसके अलावा और वे और किस समिति के अध्यक्ष थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु की उपाधि दी गई थी, तथा उन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था 11 दिसंबर 1946 को, और वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था, तो उसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए थे? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? तो 746 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्की का पिता या अतातुर्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा मुस्तफा कमाल पाशा को। मुस्तफा कमाल पाशा को आधुनिक तुर्की का निर्माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर होगा मुर्शिद कुली खान ने। इजारेदारी प्रथा थी क्या? तो इजारेदारी प्रथा में पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था थी, तथा जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसी को भूमि ठेके पर दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉकलैंड जलधारा कैसी जलधारा है? तो फॉकलैंड जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। इसके अलावा कुछ अन्य ठंडी जलधाराएं हैं अटलांटिक महासागर की, जैसे लेब्राडोर, बेंगवेला, कैनरी, पूर्वी ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की जलधाराएं अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। क्वेश्चन ये है कि बाल्यावस्था में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और साथ ही साथ ये भी बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। जय हिंद।